हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि चैप्टर 1 का पार्ट 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 आप अपने नोटबुक में ओपन कर सकते हैं एनसीईआरटी के। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050। इस तरीके से, और हमको करना क्या है, हमको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। ये जो 4 डेज हैं उनमें टोटल जितना टिकट सेल हुआ है वो हमको बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ऐड कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो हमको ये सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। सो हो जाएगा 4 + 2 = 6 + 1 = 7, 5 + 10 + 11, 11 + 9 = 20, 8 + 2 = 10 + 7 = 17, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, 3 + 2 = 5 + 7। सो द आंसर इज 7,707 टिकट्स वॉज सोल्ड। ये टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, राइट। ये जो वीडियो है आप पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने आंसर्स मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइए। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। देखिए, शेखर को टोटल 10,000 रन्स बनाने हैं, पर शेखर ने अभी तक सिर्फ 6,980 रन्स ही बनाए हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि उसको और कितने रन्स बनाने पड़ेंगे ताकि उसके टोटल रन्स 10,000 हो जाए। सो ऑब्वियसली इसका जो सॉल्यूशन है ना, सो रन्स शेखर नीड्स टू स्कोर needs to score will be, क्या करना पड़ेगा हमको, 10,000 -6,980। सो आप इन दोनों को क्या कर दो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जाएगा 10 - 8 = 2, देखो ये हो जाएगा 9, 0 - 9 = 3, और ये हो गया 0। सो द आंसर इज 3,020 रन्स। तो 3,020 रन्स और बनाने पड़ेंगे शेखर को ताकि उसके टोटल रन्स कितने हो जाए, 10,000 हो जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कोर 3,348,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। सो मार्जिन ऑफ विनिंग कैसे पता चलेगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो वोट है किसके, जो जिसने ये इलेक्शन जीता है उसके वोट्स में से उसके राइवल के वोट्स हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली हमको करना क्या है, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ऐसे ही हमको नंबर्स को समझना है। चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, कि कब हमको नंबर्स को ऐड करना है, कब हमको नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है सिचुएशन वाइज। अब देखो, इसको हमको सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दिस इज 0, 0, दिस इज 15 - 7 = 8, फिर आप देखोगे ये हो जाएगा 16 - 8 = 8, 6 - 4 = 2, एंड दिस इज 2। सो द मार्जिन इज 2,28,800। दिस इज द मार्जिन ऑफ विनिंग कैंडिडेट, इज द मार्जिन ऑफ विनिंग कैंडिडेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कीर्ति बुक स्टोर
sold books worth rupees 2,85,891 in first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater than and by how much? तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं. हाउ मच वॉज सेल फॉर द टू वीक्स. तो टोटल दोनों वीक्स के सेल बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में हमको ऐड करना पड़ेगा. तो चलिए ऐड कर लेते हैं. सो टोटल सेल ऑफ टू वीक्स विल बी 2,85,891 plus 400768. तो चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं. 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, ये हो जाएगा 16. 6 8 6. सो द आंसर इज 6,86,659 rupees. ये हमारे दोनों टोटल दोनों वीक्स का सेल था. अब ये बताना है कि कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई है और कितने ज्यादा सेल हुई है. तो आप देखोगे कि सेकेंड वीक में ज्यादा सेल हुई है. सो वी नो दैट इन सेकेंड वीक sale was greater and by how much के लिए हमको आपस में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ही subtract करना पड़ेगा. दोनों numbers को हमको क्या करना पड़ेगा, subtract करना पड़ेगा. तो चलिए subtract कर लेते हैं. 400 768 minus 2,85,891. सब्ट्रैक्शन कर देते हैं सिंपली. सो दिस इज 7. 16 माइनस 9 इज ऑल्सो 7. अगेन यहां पर आप देखोगे 16 माइनस 8 इज 8. 9 माइनस 5 इज 4. अगेन 9 माइनस 8 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1. सो द आंसर इज 1,14,877. सो दिस मच सेल वॉज ग्रेटर ऑफ सेकेंड वीक देन द फर्स्ट वीक. राइट, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना है, आपको समझते जाना है कि हमको कहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and the least 5-digit number can be written using 6-2. देखो digits क्या क्या है, 6-2-7-4-3. और हमको क्या करना है, एक ही बार यूज करना है, एक नंबर को एक ही बार यूज करना है. अब इन्हीं डिजिट से हमको ग्रेटेस्ट 5-digit बनाना है नंबर और इन्हीं डिजिट्स को लेकर हमको स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाना है. तो इन डिजिट्स को लेकर सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर बना लेते हैं. ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में. नंबर्स को हमको क्या कर देना है, इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. सो 7, 6, 4, 3, 2. इसके बाद इसी को हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. तो इन्हीं नंबर्स को हमको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. 2, 3, 4, 6, 7. अब इन दोनों नंबर्स का हमको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है. तो चलो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. सो 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7. अब इसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. 12 माइनस 7 इज 5. अगेन 12 माइनस 6 इज 6. 13 minus 4 is 9, 5 minus 3 is 2, and 7 minus 2 is 5.
So the answer is, the difference between these two numbers is 52965, 52,965. Chalte hain next question mein. Question number 6. A machine on an average manufactures 2,825 screws as a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक दिन में कंपनी इतने स्क्रू प्रोड्यूस करती है, तो हमको बताना है कि उसने जनवरी के मंथ में कितने टोटल स्क्रू मैन्युफैक्चर किए, बनाए. सो स्क्रू मैन्युफैक्चर इन ईच डे, इन ईच डे. मैन्युफैक्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज जब फैक्ट्री में बनती है तो उसके लिए हम मैन्युफैक्चर वर्ड यूज करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2,825. अब हमको ये बताना है कि जनवरी में कितने प्रोड्यूस हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में डेज कितने होते हैं. ऑब्वियसली यू नो देर आर 31 डेज इन द जनवरी. सो स्क्रूज manufacture in the month of January, हमको क्या करना पड़ेगा. पहले आप खुद से सोचो कि क्या करना है यहां पर. तो सीधी सी बात है, हमको यहां पर करना है इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन. 2852 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे थर्टी वन से, तो आपके पास आंसर आएगा 88412. तो इतने टोटल 88,000 है ना, आंसर क्या है हमारा, 88,412 स्क्रूज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. राइट, तो ये हो गया हमारा सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन, अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर, शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर दिस परचेस. देखो एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपीज है, उसको क्या परचेस करना है, उसको रेडियो परचेस करने हैं. कितने रेडियोस परचेस करने हैं, देखो 40 रेडियोस परचेस करने हैं और हर एक रेडियो का प्राइस है 1200. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 और प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो कितना है रुपीज 1200 और ऐसे कितने रेडियोस परचेस किए उसने 40. तो फिर यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 40 सच रेडियोस. क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 1200 को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से और आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 48,000 रुपीज. तो टोटल रेडियो परचेस करने का कॉस्ट है 48,000 और लेकिन मर्चेंट के पास तो काफी पैसा है, 78,592 है, तो उसके पास कितने रुपीज यहां पर बच रहे हैं वो हमको बताना है. सो मनी परचेसिंग रेडियोस, सिंपली हमको देखो यहां पर माइनस कर देना है 78,592 माइनस 48,000 को माइनस कर देना है. सो दिस इज 29,503. सो मर्चेंट के पास कितने रुपीज बच जाएंगे, 30,592 रुपीज मर्चेंट विल मनी विल रिमेन विद द मर्चेंट. ओके गुड, चलिए तो आप होप सो मेरे साथ सॉल्व करते जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आइए. अ स्टूडेंट
मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, है ना। स्टूडेंट को इस नंबर से 65 से मल्टीप्लाई कर देना है, करना था, पर उसने मल्टीप्लाई कर दिया 56 से मल्टीप्लाई करना था, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, समझे ना। नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं हम, नंबर है हमारे पास 7236, उसको करना था 56 से मल्टीप्लाई, लेकिन उसने 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों सिचुएशन में आंसर कितना ग्रेटर है, है ना, कितना ज़्यादा बड़ा आंसर है उसके पास, ये हमको बताना है। तो सिंपली सबसे पहले हमको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड कर लेना है। डिफरेंस किसका किसका, 65 और 56 का, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 65 माइनस 56 तो आ गया 9। सो हमारा आंसर फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे हम, 7236 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से 7236 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 65122, और ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट। सो हिज आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर 65124। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 9। ओके, टू स्टिच अ शर्ट 2 meter 15 centimeter क्लोथ इज नीडेड, आउट ऑफ 40 meter क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। देखो सबसे पहले क्लोथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट इस 2 meter 15 centimeter, इसको हम क्या कर लेते हैं, पूरा पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 215 centimeter, 1 meter = 200 centimeter, और टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ जो है हमारे पास वो कितना है, 40 meter, और इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 40 meter क्लोथ। ओके, तो ये हो जाएगा 4000 centimeter। अब क्या करना है हमको, कितने शर्ट इससे बन सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपस में इनको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4000, वी हैव टू डिवाइड दिस 4000 बाय 215, तो आप देखो 215 कट को टूजा करेंगे हम, तो ये तो हो जाएगा 430, तो वनजा से ही काम चलाना पड़ेगा। 215 आप माइनस करोगे 400 माइनस 215, सो द आंसर विल बी 185, जीरो यहां पर ले लेते हैं। उसके बाद देखो 215 into 8, और 215 into 9 अगर कर दें सो इट विल बी मच ग्रेटर, तो हम क्या करते हैं 215 into 8 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1720, 031, और ये कैंसल। तो आप देखोगे 18 शर्ट्स कैन बी मेड, 18 शर्ट्स कैन बी मेड एंड 130 centimeter क्लोथ विल रिमेन, इतना जो है क्लोथ बच जाएगा 18 शर्ट्स बनने के बाद। ओके, अंडरस्टूड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 gram, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी 800 kg। सो वेट
ऑफ ईच बॉक्स, वेट ऑफ ईच बॉक्स कितना है देखो, 4 kg 500 ग्राम। अगर आप इसको पूरा ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 4500 ग्राम, राइट। और कैपेसिटी ऑफ वैन, कैपेसिटी ऑफ वैन कितनी है देखो, 800 kg। तो अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1,08,00,000 ग्राम। अब हमको ये बताना है कि इस वैन में ऐसे कितने ट्रक्स हम रख सकते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रक्स कैन बी लोडेड इन दिस वैन नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 8 लाख को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। हमारा जो एक बॉक्स का वेट है 4500, राइट, 4500। तो 4500 टू जा तो 9000 हो जाएगा, तो 1 जा लेते हैं, 4500 माइनस कर लेते हैं, सो 8000 माइनस 4500 आपको मिलेगा 3500, जीरो ले लेते हैं यहां पर, तो क्या बन गया 35000। नाउ 4500 सेवन जा, या फिर 4500 एट जा देख लेते हैं, 36000 हो जाएगा विच इज ग्रेटर, तो सेवन जा लेते हैं यहां पर 31500 माइनस कर लेते हैं। अब ले लेते हैं फिर से एक जीरो और, तो फिर से 7 जा 31500। तो देखो यहां पर 177 शर्ट्स बनाए जा सकते हैं, 177 बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं, और इतना स्पेस जो है और बच जाएगा, मतलब तो इस पे तो कोई आ नहीं सकता है, तो 177। तो हमारा आंसर क्या लिखना है हमको, 177 बॉक्सेस कैन बी वी कैन लोड इन द वैन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, देखो सपोज ये स्कूल है और यहां से सॉरी ये होम हाउस है उसका और ये यहां से स्कूल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। तो देखो अगर एक स्टूडेंट एक दिन में कितना इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो पहले तो 1 किलोमीटर 875 मीटर उसको जाने में लगेंगे और उतना ही डिस्टेंस उसको वापस आने में कवर करना पड़ेगा। सो टोटल डिस्टेंस पहले तो हम यहां पर फॉर्म कर लेते हैं सेंटेंस, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल यह है 1 किलोमीटर 875 मीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1875 मीटर। फिर देखो एक दिन में टोटल कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, राइट। 1875 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा देखो 3750 मीटर। अब 6 डेज का पता कर लेते हैं, सो टोटल डिस्टेंस
कवर्ड इन सिक्स डेज, ये हो जाएगा सिंपली ये जो डिस्टेंस है एक दिन का उसको हमको मल्टीप्लाई करना है सिक्स से। तो आप सबको मल्टीप्लीकेशन पता है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 22500। सो द आंसर इज, अगर आप इसको किलोमीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। दिस मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन सिक्स डेज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। सो कैपेसिटी ऑफ वेसल इज 4 लीटर 500 मिलीलीटर 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो हमको क्या करना है, टोटल इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे 4500 मिलीलीटर। ओके, एंड कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास है यहां पर 25 मिलीलीटर। तो हमको देखना है कि टोटल कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं इससे, ऐसे टोटल कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं सो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को 4500 को हमको डिवाइड करना है 25 से। 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 वन जा 25, और ये होता है 25 8 जा 200, दैट्स कैंसल आउट, जीरो और आ गया, देन दिस इज जीरो, ये भी कैंसल आउट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, कितने ग्लासेस फिल किए जा सकते हैं, 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, इतने ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं, राइट, इस वेसल से। तो होप सो आपके सारे क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज के आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो आगे सारे चैप्टर के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए प्लासी फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।